साथियों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोविड-19 के बीच में हमें चुनाव ड्यूटी कैसे करनी है, इस चुनाव ड्यूटी में हमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, किस तरह से आपको खुद को कोविड-19 से बचाते हुए चुनाव संपन्न कराना है, क्या शासन और प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम ये देखते हैं, मतदान दल के सदस्यों के लिए निम्नलिखित किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आपको सैनिटाइजर मिलेगा, ग्लव्स मिलेंगे और मतदान स्थल पर सामाजिक दूरी के लिए गोले बनाने के लिए चौक मिलेगा। सैनिटाइजर मिलेगा 1 लीटर, ग्लव्स मिलेंगे और सामाजिक दूरी बनाने के लिए गोले बनाने के लिए आपको चौक मिलेगा। अब हम ये देखते हैं कि आपको मतदान केंद्र की व्यवस्था कैसे करनी है, क्योंकि मतदान केंद्र की पूरी व्यवस्था पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है, तो आपको वहाँ पर क्या क्या करना है। मतदान केंद्र पर मतदान दल के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाए। मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा। प्रत्येक मतदाता को सैनिटाइजर दिया जाएगा, उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज करने के पश्चात ही उनको मतदान के लिए कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि प्रत्येक मतदाता का टेम्परेचर भी नोट करना है। जो मतदाता लाइन में खड़े हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। इसके लिए किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी, वो पुलिसकर्मी हो सकता है, होमगार्ड हो सकता है, ग्राम चौकीदार हो सकता है। तो इस तरीके से लाइन में जो लोग खड़े हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अब आपके यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसका टेम्परेचर जो मानक है उस मानक के हिसाब से ज़्यादा है, आपने उसका टेम्परेचर लिया, उसका टेम्परेचर जो मानक है उस मानक से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उसको अंतिम घंटे में मतदान के लिए कहेंगे कि आप अंतिम घंटे में आइए, लास्ट के समय आइए, तब आप अपना वोट डालिए। और इस बीच में आप उससे कहेंगे कि जो कोविड-19 के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। और आपको 3 लाइन लगवानी है, एक महिला, पुरुष और दिव्यांग लोगों की अलग लाइन, यानी 3 पंक्तियाँ होंगी, पहली महिला, दूसरी पुरुष और तीसरी दिव्यांगजनों की। प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट यानी 2 गज की दूरी पर खड़े रहने हेतु पूर्व से ही गोले निर्धारित किए जाएंगे, जहां प्रत्येक मतदाता मतदान हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। गोलों की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान कक्ष से बाहर रखा जाएगा, यानी कि आप क्या करेंगे कि 2 गज की दूरी पर आप गोले बना देंगे और उन गोलों में मतदाताओं को खड़े रहने के लिए कहेंगे। अगर किसी मतदान कर्मी में कोरोना के लक्षण दिखते हैं, कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं, तब फिर क्या किया जाएगा, ऐसे कार्मिक को तुरंत प्रभाव से अन्य कार्मिकों से अलग कर दिया जाए। नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्मिकों का कोविड परीक्षण करवाया जाए। परीक्षण के परिणाम की सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी जाए। तो ऐसे कार्मिक को तुरंत अन्य कार्मिकों से अलग कर दिया जाएगा और उनका कोविड परीक्षण कराकर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जाएगा। यदि किसी पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट में से किसी का तापमान निर्धारित मानक से ऊपर पाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अनुमति से उसका रिलीवर प्रदान किया जा सकता है और इस आशय का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यानी किसी पोलिंग एजेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको हटाकर उसकी जगह पर दूसरा नियुक्त कर देंगे और इसका रिकॉर्ड आप मेंटेन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये भी करना है कि हर समय आपको मास्क लगा के रखना है और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जा सके। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बूथ पर अनावश्यक भीड़ ना लगे और कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए। अब अगर कोई मतदाता कोविड
संक्रमित है, कोरोना संक्रमित है, लेकिन उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। हम मताधिकार के प्रयोग से किसी को वंचित नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाता को अंत में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु कहा जाएगा तथा इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट तत्काल उपलब्ध कराई गई पीपीई किट के साथ संबंधित मतदान स्थल पर पहुंचकर पीठासीन अधिकारी को पीपीई किट उपलब्ध कराएंगे। उपलब्ध कराई गई पीपीई किट को पहनकर पीठासीन अधिकारी उक्त मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करवाएंगे। तो यानी यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी कि वो पीपीई किट पहनकर उक्त मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करवाएंगे। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे कि हमारे और भी शिक्षक साथी लाभान्वित हो सकें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।